हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके लिए बोरोइंग के लिए क्या प्रोविजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट्स के लिए। आप सब जानते हैं जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई, टसल चल रही थी। सेंटर ने वादा किया था कि अगर 2017-2022 के बीच में जीएसटी रिवेन्यू जो ग्रोथ होगी उसमें 14% से ज़्यादा कमी आती है तो हम तुमको जीएसटी कंपनसेशन फंड में से पैसा दे देंगे 2017 से 2020 के बीच में। अभी पेंडेमिक आया तो वास्तव में 14% से कम यहाँ पे जीएसटी में जो ग्रोथ होनी थी वो नहीं हुई, रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हुई। स्टेट्स गए सेंटर के पास, बोले कि वादा पूरा करो, तो सेंटर बोला कि हमने कहा था कि 14% से कम ग्रोथ होए जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन की वजह से। पेंडेमिक हम थोड़ी लेके आए कोविड-19, जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत होती उसकी वजह से अगर कम ग्रोथ होती तो हम देते पैसा। स्टेट्स बोले कुछ नहीं जानते हम, तो हमको तो पैसा चाहिए। सेंटर बोल रही है कि स्टेट्स तुम पैसा ले लो। सेंटर जानते हैं कि स्टेट्स आर नॉट इन गुड पोजीशन टू बोरो मनी फ्रॉम एनीवेयर। अब स्टेट्स अगर बेटर पोजीशन में नहीं है तो सेंटर भी नहीं है, ये बात सबको पता है। लेकिन सेंटर के पास कोई ऑप्शन है बोरो करने के लिए? आरबीआई से ले सकता है, कहीं से भी सेंटर ले सकता है। तो बात कहाँ पे आके टिक जाती है? बोरोइंग पे। सेंटर कह रहा है स्टेट्स को, स्टेट कह रहा है सेंटर को कि तुम बोरो कर लो। तो जब बोरोइंग की बात आती है तो हमको बेसिक्स की तरफ जाना चाहिए और हमको पता रहना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 292 आर्टिकल 293 आर्टिकल है जो बोरोइंग की बात करते हैं। 292 आर्टिकल आपका बोरोइंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरोइंग कर सकती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सिक्योरिटी लेके, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से के नाम पे गारंटी देके सिक्योरिटी रख के बोरो कर सकती है। और जो इसकी लिमिट्स होंगी वो बेसिकली आपका पार्लियामेंट फिक्स करेगा, ठीक है। इसकी लिमिट्स करने वाला फिक्स कौन होगा? पार्लियामेंट। कि कितना यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो करेगी पार्लियामेंट फिक्स करेगा, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के नाम पे सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो कर सकती है, वो भी एग्जीक्यूटिव पावर के नाम पे। और यही नहीं, गारंटी भी दे सकती है स्टेट्स को। अगर बोरो करना हो तो स्टेट के लिए खुद भी गारंटी दे सकती है। तो बात आती स्टेट्स की, बोरोइंग बाय स्टेट्स 293 आर्टिकल की बात कर रहे हैं। इसमें कह रखा है कि स्टेट भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के लिमिट के अंदर स्टेट का लेजिस्लेचर जो लिमिट फिक्स करे उतनी बोरो कर सकते। स्टेट्स भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इन स्टेट के सिक्योरिटी के नाम पे बोरो कर सकते हैं। अब बात यह कि स्टेट्स की जो बोरोइंग पावर है वो लिमिटेड है, क्योंकि दे कैन बोरो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी इंडिया की जो उसके अंदर ही स्टेट्स बोरो कर सकते हैं, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई टेरिटरी की लिमिट ऐसी नहीं है, वो कहीं से भी बोरो आराम से कर सकते हैं। जबकि स्टेट्स जो बोरो करेंगे वो बेसिकली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक। अगला 293 जो आर्टिकल, उसका क्लॉज 3 क्या कहता है कि ये चीज़ें लक्ष्मीकांत में भी आपकी पॉलिटी में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें आपको सीधा मैं आपको बता रहा हूँ आर्टिकल के साथ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, जो भी पार्लियामेंट ने लो के द्वारा बताया गया है, जो भी कंडीशन रखी गई है पार्लियामेंट में, स्टेट्स को लोन दे सकती है और उतनी लिमिट में देगी जितना कि यहाँ पे आर्टिकल 292 ने बताया। अब या तो स्टेट को लोन दे दे या फिर स्टेट कहीं से लोन दे दे तो उसके लिए गारंटी दे दे। स्टेट को लोन देगी, स्टेट के लिए गारंटी देगी। मान लो स्टेट ने कहीं और से पैसा ले रहा है, लेकिन अगर वो पैसा नहीं दे रहा हो स्टेट को कोई भी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को लोन दे देगी या उस लोन के लिए गारंटी दे देगी, उसका पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होएगा। क्योंकि यहाँ पे लोन देने वाली और या फिर गारंटी देने वाली कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे पढ़ते हैं, अ स्टेट मे नॉट विदाउट द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेज एनी लोन इफ देर इज स्टिल आउटस्टैंडिंग एनी पार्ट ऑफ द लोन विच हैज़ बीन मेड टू स्टेट बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर केंद्र सरकार से
स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट ने पहले से लोन ले रखा है और वो लोन चुकाया नहीं गया है, तो बिना कंसेंट लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट, चाहे वो पहली कोई सरकार हो सेंटर की, उससे क्यों ना लिया हो लोन, लेकिन लोन का पैसा नहीं चुकाया गया है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी लोन के लिए गारंटी दे रखी है ऑलरेडी या पिछले वाली गवर्नमेंट ने, और वो लोन अभी तक चुकाया नहीं गया है, तो बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन के स्टेट कहीं से भी लोन नहीं ले सकता। सेंटर का कोई लोन चुकाया नहीं है या सेंटर ने जिस लोन के लिए गारंटी दी थी वो लोन नहीं चुकाया है, तो नेक्स्ट लोन आप रेज नहीं कर सकते विदाउट द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये स्टेट की दूसरी लिमिटेशन है, एक तो टेरिटोरियल लिमिटेशन हो गई, दूसरी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो लिमिटेशन हो गई जो आर्टिकल 293 में डाली गई है। लास्ट चीज़ इसके अंदर स्टेट अंडर क्लोज थ्री, इस क्लोज थ्री की बात हो रही है कि ये जो कंसेंट देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को लोन लेने के लिए, जो हाँ भरेंगी, कंसेंट देगी, एक्सेप्ट करेगी उनकी परमिशन, वो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर है कि कितना यहाँ पे कंडीशंस लगाना पड़ेगा, किस कंडीशंस के हिसाब से यहाँ पे स्टेट बोरो कर सकती है। या तो गवर्नमेंट मना कर देगी, और अगर हाँ भी करती है, कंसेंट भी देती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने हिसाब से कंडीशंस लगा सकती है। ये क्रक्स है इस चीज़ का, समझ गए? तो ये चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए, आपका बेसिक है पहली चीज़। अब देखो, बोरो जो करती है ना गवर्नमेंट, अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है रिवेन्यू से, तो आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है। अब फिस्कल डेफिसिट अगर बढ़ जाता है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, तो उसके लिए पैसा भी चाहिए। पैसा कहाँ से लाएगी सरकार? बोरोविंग से। इसलिए मैंने बोरोविंग के आपको आर्टिकल ही पढ़ाए हैं। पैंडेमिक चल रहा था, केरला सरकार गई केंद्र सरकार के पास, जाके उन्होंने सीधे सीधे बोला कि हमें 20,000 का रिलीफ पैकेज चाहिए, 20,000 का हमें रिलीफ पैकेज सीधा सीधा दे दो, 20,000 का रिलीफ पैकेज हमको दे दो। अब यहाँ पे सेंटर ने अलाउ कर दिया कि ठीक है, आपको जो है केरला गवर्नमेंट ने कहा कि 20,000 का पैकेज हम अनाउंस कर रहे हैं, 20,000 करोड़ का पैकेज, उसके लिए हमको 12,500 करोड़ रुपए बोरो करने पड़ेंगे। केरला सरकार ने बोला 20,000 करोड़ का पैकेज हम अनाउंस कर रहे हैं, उसके लिए 12,000 करोड़ हमको बोरो करना पड़ेगा मार्केट से। ठीक है, मैंने क्या कहा था, आज के टाइम पे जितने भी स्टेट्स हैं सब ने सेंटर से कहीं ना कहीं पैसे ले रखे, चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए हो, चाहे किसी भी एक्सपेंडिचर के लिए हो, चाहे अनप्रोडक्टिव तरीके से ले हो, कैसे भी। तो आज के टाइम पे स्टेट बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन के लोन ले नहीं सकती। तो जाहिर सी बात है, केरला सरकार भी गई है सेंट्रल के पास कहने कि 12,000 करोड़ रुपये हमको मार्केट से उठाने हैं, तो हमें यहाँ पे आप परमिशन दे दो। अब यहाँ पे बात आ जाती है FRBM एक्ट की। FRBM एक्ट में काफ़ी ज़्यादा देखो इसकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर प्रीलिम्स 2020 का आपने क्वेश्चन देखा होगा एक, तो उसमें इसकी बात हो रही है। FRBM एक्ट 2003, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में ही आया था। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाया, जो भी फिस्कल मैनेजमेंट होगा देश के अंदर, जो भी पूरे देश के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेगी। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की डेब्ट और डेफिसिट्स पे लिमिट रखी गई, और स्टार्टिंग में ये कितने परसेंट रखी गई इसके अंदर, इस एक्ट के अंदर 3% ऑफ जीडीपी, जीडीपी का 3% इसमें लिमिट रखी गई। इससे ज़्यादा आप फिस्कल डेफिसिट बढ़ा नहीं सकते, यानी इतना ही बोरो करो जितना आपका फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 3% हो। 12th फाइनेंस कमीशन आया था, उसने कहा 2004 में आया था, उसने कहा था कि स्टेट्स भी कुछ इसी तरीके का लॉ लेके आए। स्टेट्स ने बिल्कुल बात मानी और उन्होंने भी लॉ लाके फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेशन नाम से अपने ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 3% तक फिस्कल डेफिसिट रखने का वादा किया एनुअल बजट डेफिसिट्स में। कैप रखने की कोशिश की कि 3% से ज़्यादा हम अपने GSDP का ज़्यादा नहीं होने देंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
हुआ क्या, 2018 में इस एक्ट के रूल्स में थोड़े से चेंजेस किए गए और इसमें जो टारगेट था 3% का वो अब 3.1% यहाँ पे कर दिया है टारगेट, ठीक है 3.1 आपका यहाँ पे टारगेट हो गया, 3 था अब 3.1 कर दिया, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट कैसे ना कैसे बढ़ना ही है, खर्चा बढ़ेगा ही, और ये 2023 तक का कर दिया, 2023 तक का सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3.1% कर दिया। हालांकि जो एनके सिंह कमेटी आई थी 2016 में उन्होंने कहा था कि इसको कम करना है, 2.8 to 2.5 तक करना है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने खर्चा देखते हुए 3.1 कर दिया, समझ रहे हो ना, तो पूरा खेल समझ में आ गया। तो अब केरला ने सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन क्यों मांगी बोरोइंग के लिए, क्योंकि आर्टिकल 293 में हमने पढ़ा था 12,000 to 12,500 crore का लोन उठाने जा रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाँ भी कर दिया था जहाँ तक मुझे पता है। अब यह भी बात आई कि केरला सरकार लोन तो ले रही है, लेकिन ये जो केरला सरकार का लोन है ये उसका जो एक्ट है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो केरला ने लाया, उसका जो 3% का टारगेट है उसको एक्सीड कर रहा है, ये दिक्कत सामने आ गई। तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि इस एक्ट के अंदर एक एस्केप क्लोज है, क्या है एस्केप क्लोज, इसके अंदर कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी, अगर ऐसी सिचुएशंस में चाहे तो सेंट्रल अलाउ कर सकती है कि ठीक है इसमें आप फिस्कल डेफिसिट का टारगेट एक्सीड कर सकते हो, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी, वार हो जाए, नेशनल कैलमिटी आ जाए, एग्रीकल्चर कोलैप्स हो जाए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हो, रियल आउटपुट ग्रोथ में डिक्लाइन आ जाए कम से कम एक क्वार्टर में 3% की, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इन सिचुएशंस में स्केप क्लॉज का इस्तेमाल किया जाता है। और केरला गवर्नमेंट ने सेंटर को जाके यही बोला कि हमें स्केप क्लॉज का इस्तेमाल करने दो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाँ कर दिया नेशनल कैलमिटी के नाम पर, और पहली बार नहीं हुआ, कई बार हो चुका है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के नाम पर कई बार इस एस्केप क्लॉज का इस्तेमाल किया जा चुका है। तो आपको पूरी गणित समझ में आ गई होगी किस तरीके से एक्ट काम करता है, क्या क्या इसमें किस सिचुएशंस में इन टारगेट को क्रॉस किया जा सकता है। अभी क्या टारगेट है 3% का, हाँ हालांकि बाद में इसको 3.1 कर दिया 2031 में, ये ध्यान रखना 2031 के लिए 3.1 कर दिया, 2018 में 3% से 3.1 कर दिया टारगेट। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, अभी क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स 2020 में कि मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ये आपको जो दिख रहा है ये न्यूज़ में था, किससे जुड़ा हुआ है, और उसमें जो डी ऑप्शन था उसमें FRBM एक्ट लिखा हुआ था, समझो ना, उसमें FRBM एक्ट साफ साफ दे रखा था, तो जिसने पढ़ा होगा उसने कर दिया होगा। अब एक बात समझो, FRBM एक्ट के अंदर टारगेट ही नहीं दिया है पूरा करने के लिए कि फिस्कल डेफिसिट को आपको 3% तक रखना है, हर साल गोल रखने के लिए बोला है, हर साल स्टेटमेंट्स रखने के लिए बोले हैं, पॉलिसीज रखने के लिए बोली है कि आखिर देश में चल क्या रहा है इस एक्ट के तहत। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे हर साल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बजट, कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं, बजट तो हम बोल देते हैं आम जनों की भाषा में, ठीक है, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ हम कुछ स्टेटमेंट्स रखते हैं, ये चार स्टेटमेंट्स याद रख कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक तो पूछा ही था अभी। अब इसके अंदर जो आपका मीडियम टर्म फिस्कल स्टेटमेंट है ना, सबसे पहला वाला बेसिकली मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट 3 साल का टारगेट बताता है, तो 3 साल के एनुअली आता है ये स्टेटमेंट, हर साल देना होता है लेकिन अगले 3 साल का टारगेट देता है कि रिवेन्यू और फिस्कल डेफिसिट गोल्स क्या होंगे, हालांकि टारगेट रहेगा वही कि 3% तक रखना है, समझो ना, लेकिन ये स्टेटमेंट हर साल आते हैं ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट कितना अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है पता रहे। चलिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।